जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। वालेकुम सलाम मैम। जी मैम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलिए। प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम किसी की? जी मैम मैम, थोड़ी क्लास का हल्की लेक्चर आवाज आ स्टार्ट। रही है आपकी। से आ रही है मैम, जी बेटा, आपकी आपकी आवाज पहले दूर से आ रही थी। पहले दूर से आ रही थी। पता नहीं बच्चों, यहाँ पे तो इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल है मेरा। चलें देख लेते हैं, अगर आवाज कम हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? ठीक यस है, मैम। मैम। यस मैम। मैम आज हमने पढ़ना है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में। हमने देखना है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और इसकी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होती है। फिर हमारे पास एक्टिनोथेरेपी। एक्टिनोथेरेपी क्या होता है, हमने इलेक्ट्रो वन में भी इसकी डेफिनेशन की थी कि रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, जिसमें से रेडिएशन के मीन से हम ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, उस थेरेपी को कहते हैं एक्टिनोथेरेपी। इसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आती हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवी आर, ठीक है, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच फॉल्स बिटवीन विजिबल रेज एंड एक्स रेज। ये वो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जो विजिबल रेज, ये जो लाइट रेज हैं जो विजिबली हैं हमारी नेकेड आई को, और एक्स रेज, इसके बीच में जो एक छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है रेज का, दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेज। दिस हैव वेवलेंथ बिटवीन 10 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर, ठीक है। इनविजिबल होती हैं बाय ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर सकती। कैन कॉज सनबर्न एंड टैनिंग ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सनबर्न होती है, टैनिंग होती है, यानी कि पिगमेंटेशन कॉज होती है स्किन की, और सनलाइट जो होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कवर्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइंग बिटवीन द विजिबल लाइट एंड एक्सरे रीजन। ठीक है, कि विजिबल लाइट और एक्सरे के बीच में छोटा सा एक स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। दे कैन ट्रांसमिट मच मोर एनर्जी देन द विजिबल रेज। अब तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, अल्ट्रा यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। यूवीए जो होती है वो 400 to 315 होती है, फिर यूवीबी 315 to 280 होती है, और यूवीसी बिलो 280 नैनोमीटर, ठीक है। इसी तरह तीनों के इफेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं कि यूवीए इरिदमा कॉज करती है विदाउट पिगमेंटेशन, यूवीबी भी इरिदमा कॉज करती है विदाउट पिगमेंटेशन, साथ साथ ये विटामिन डी की फॉर्मेशन करवाती है, स्किन टैनिंग कराती है, स्किन बर्न हो सकते हैं, स्किन पे ब्लिस्टर्स यानी कि छाले बन सकते हैं, ठीक है। और यूवीसी जो होती है ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी और स्किन टैनिंग करवाती है। अब इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है? नेचुरली जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो सन लाइट में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, बट थेरेप्यूटिकली जो होते हैं, थेरेप्यूटिक पर्पजेस के लिए हम जनरेटर यूज करते हैं। ऑब्वियसली एक पूरा सेटअप होता है, डिफरेंट टाइप के बल्कि अब तो सेटअप्स हैं जो जिनसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। होती बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल इसका यही होता है कि हमने एक आयोनाइज्ड वेपर्स के अंदर से हमने करंट पास करना होता है, यानी कि कोई भी गैस है उस गैस को हमने पहले आयोनाइज करना है, वो गैस न्यूट्रल स्टेट में है, उस गैस में हमने आयोनाइजेशन की है बाय द पैसेज ऑफ करंट, वहां से आयंस पास करेंगे। हम जो गैस यूज कर रहे हैं ऑफन ये मरकरी वेपर्स होते हैं, या वेपर इज अ फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, ठीक
ठीक है, करंट पास होता है थ्रू द आयनाइज्ड वेपर्स और यू प्रोडक्शन होती है आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं आइदर एयर कूल्ड होती हैं यूजिंग एयर सर्कुलेशन विद फैन और वाटर कूल्ड यूजिंग अ वाटर जैकेट सराउंडिंग द बर्नर विद कॉन्टिन्यूअली सर्कुलेटिंग वाटर। अब ये एक हमारा टिपिकल सेटअप है, ये सेटअप हम एफएससी में भी पढ़ चुके हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रोडक्शन का ये जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है ये हम पहले मैट्रिक एफएससी में पढ़ते होते हैं कि यू शेप का एक ग्लास ट्यूब होता है, दोनों उसकी साइड्स जो हैं वो सील होती हैं, दोनों एंड्स जो हैं इसके वो सील होते हैं और उसके अंदर हम मर्करी गैस को फिल कर देते हैं लो प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और आर्गन गैस और मरकरी गैस उसके अंदर हमने दो गैसेस हमने उसमें फिल कर दी, ठीक है। यू शेप ग्लास ट्यूब एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स, बर्नर इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। अब जो बर्नर है जहां से वो क्वार्ट्स मटेरियल का बना होता है, क्वार्ट्स का मटेरियल ये होता है कि उस वो हाई टेम्परेचर्स पे ब्रेक नहीं करता, हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर जाता है और साथ साथ वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास भी कर सकती हैं एंड हैव लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। एट द एंड ऑफ ट्यूब इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड, अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब ट्यूब के एंड्स पे हमने इलेक्ट्रोड्स अटैच कर देने हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ताकि करंट पास हो उन गैसेस के बीच में से। मर्करी वेपर लैंप, अब क्या होता है, सेटअप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट्स, ठीक है, अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। आर्गन गैस जो है इससे आयोनाइज हो जाती है, मतलब जो न्यूट्रल स्टेट में गैस थी बेसिकली उसके आइंस क्रिएट हो जाते हैं। आइंस क्रिएट होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव जो आइंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और पॉजिटिव आइंस आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कोलिजन बिटवीन द मूवमेंट आइंस एंड आर्गन गैस विल कॉज फर्दर आयोनाइजेशन। इससे क्या होता है कि फिर फर्दर आयोनाइजेशन होती है कि जो आपके आइंस बने हैं और जो गैस अभी उसके अंदर न्यूट्रल प्रेजेंट है मरकरी की और आर्गन की, उससे फर्दर आयोनाइजेशन कॉज हो रही होती है उनकी कलिजन से, उन आइंस की और गैस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की। यूं एक ग्लो ऑफ डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, सफिशिएंट हीट इज प्रोड्यूस्ड टू वेपराइज द लिक्विड मर्करी इनसाइड द ट्यूब एंड फर्दर आयोनाइजेशन ऑफ मर्करी। तो इसी तरह आप जो लिक्विड मर्करी है उसके जो वेपर्स हैं वो भी फर्दर आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। थस द अल्ट्रावायलेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आर्गन आयोनाइजेशन, मर्करी वेपराइजेशन एंड मर्करी आयोनाइजेशन। तो बेसिकली तीन काम हो रहे हैं, एक ट्यूब है यू शेप की, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर आर्गन गैस है और मर्करी के वेपर्स हैं। आर्गन गैस की सबसे पहले करंट हमने पास किया इलेक्ट्रोड्स अटैच करके, जब करंट पास होता है तो आर्गन गैस की आयनाइजेशन हो जाती है, उसके आइंस क्रिएट होते हैं, उसके आइंस आर्गन के फर्दर अब जो मर्करी के वेपर्स हैं उनके साथ और अपने और मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं और उनकी फर्दर आयनाइजेशन कराते हैं। तो यूं मर्करी के जो वेपर्स होते हैं उनकी भी आयनाइजेशन हो जाती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन द लैंप इज टर्नड ऑफ द आयंस ऑफ आर्गन एंड मर्करी रीकंबाइन सो दैट विद इन द ट्यूब एवरीथिंग रिटर्न्स टू इट्स न्यूट्रल स्टेट। अब जब आप करंट ऑफ कर देते हैं, लैंप टर्न ऑफ कर देते हैं, तो जो उसकी पहले वाली प्री आयोनाइज्ड स्टेट थी, जो न्यूट्रल स्टेट थी आर्गन की और मर्करी वेपर्स की, वो वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं। एक लैंप होता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, उसका नाम होता है क्रोमेयर्स लैम्प। अब क्रोमेयर्स लैम्प जो होता है इसका एडवांटेज ये होता है कि हम इसको स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में भी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं बहुत ही कॉशन के साथ, बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, बहुत केयरफुली हम पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं। अदरवाइज इसका जितना एक बेनिफिशियल इफेक्ट आना होता है उससे ज्यादा आप उसका डिसएडवांटेज कॉज कर देते हो बर्न की सूरत में पेशेंट को, ठीक है, तो बहुत ही कॉशियसली अप्लाई करना होता है। इसीलिए कॉन्टैक्ट विद द स्किन हो सकता है क्रायोमेयर लैम्प का, डेंजर ऑफ बर्न थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है इस क्रायोमेयर लैम्प के साथ, एंड हार्मफुल इंफ्रारेड रेज आर एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर। अभी क्रोमेयर लैम्प जो होती है मीडियम प्रेशर मर्करी वेपर्स होते हैं इसमें, डिजाइन टू बी यूज इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज बोथ ऑन द स्किन सर्फेस एंड इन बॉडी कैविटीज। कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आप ट्रीट कर सकते हैं क्रोमेयर लैम्प से, आप
प्रेशर एरियाज को, अल्सर्स को, साइनसेस को, वोंड्स को, इन सब चीजों को ट्रीट कर सकते हो. फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती हैं. मर्करी वेपर लैम्प हैज अ डिसएडवांटेज, इट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन शॉर्ट प्रोपोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज. अभी जो मर्करी वेपर लैम्प है, जो यू शेप्ड हम मर्करी वेपर लैम्प बता रहे हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट एक इसका प्रोडक्शन का मेथड था, उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो शॉर्ट थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का छोटा सा प्रोपोर्शन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफन रिक्वायर्स लॉन्ग वेव्स. इस मकसद के लिए हम फ्लोरिसेंट ट्यूब्स यूज करते हैं. ठीक है, फ्लोरिसेंट ट्यूब्स में क्या होता है, 120 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है मेड ऑफ ग्लास, और उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास कर सकती हैं. इनसाइड ऑफ ट्यूब इज कोटेड विद स्पेशल फॉस्फोर. अब एक मटेरियल है जिसको आप कह रहे हो फॉस्फोर. ठीक है, केमिकल एक मटेरियल होता है. लो प्रेशर आर्क इज सेट अप इनसाइड द ट्यूब बाय आयनाइजेशन. प्रिंसिपल वही है कि प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई, तो फॉस्फोर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उनको रीइमिट करता है एज द लॉन्ग वेव्स, जो हमें लॉन्गर प्रोपोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए उसके लिए. अब तक हमने देख लिया, एक हमारे पास जो यू शेप्ड एक अपरेटस होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रोडक्शन का. सेकेंडली हमारे पास क्रोमेयर्स लैम्प है एक. अब थर्ड हमने देख लिया, एक होती है फ्लोरिसेंट ट्यूब्स. फिर एक हमारे पास सेटअप होता है जिसे हम कहते हैं थेरेक्टिन टनल. थेरेक्टिन टनल में हमारे पास फोर, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जहां से एमिट होती हैं, फोर टनल्स होते हैं आप कह सकते हो. सेमी सिलेंड्रिकल फ्रेमवर्क होता है. फोर फ्लोरिसेंट ट्यूब्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है, अपनी अल्ट्रावायलेट रेज साथ साथ रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, पेशेंट की रेडिएशन हो जाती है. इरेडिएशन इज द ट्रीटमेंट बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बाय इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी रेडिएशन की थ्रू आप जो ट्रीट कर रहे हो उसको आप इरेडिएशन कहते हो. ट्यूब्स विद स्पेक्ट्रम ऑफ 280 टू 400 नैनोमीटर इज यूज्ड. थर्ड एक हमने चीज देख ली है थेरेक्टिन टनल. फिर हमारे पास है PUVA. ठीक है, इरेडिएशन कैन बी परफॉर्म बाय स्पेशल ट्यूब विच मे बी माउंटेड इन अ वर्टिकल बैटरी ऑन अ वॉल और ऑन फोर साइड्स ऑफ द बॉक्स सराउंडिंग द पेशेंट. ये अब एक और मेथड है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करने का. ठीक है, ये 2 hours के लिए आप पेशेंट को अप्लाई कर सकते हो आफ्टर यूजिंग अ फोटो एक्टिव ड्रग दैट इज सोरालिन. ये सारे डिफरेंट. जी बेटा, मैम आपने इरेडिएशन का क्या बताया था? बेटा इरेडिएशन मतलब आप जो ट्रीट कर रहे हो रेडिएशन के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से की थेरेपी दे रहे हो या फिर आप यानी कि रेडिएशन पास कर रहे हो किसी बॉडी के या किसी टिश्यू के अंदर से, दैट इज कॉल्ड ए रेडिएशन. टेस्ट डोज इंडिविजुअल. अच्छा, अब हमने पहले भी हम जो ऑपरेटर्स या जो मोडालिटी अप्लाई करते हैं, हम थोड़ा सा एरिया पहले टेस्ट कर लेते हैं पेशेंट का कि कहीं पेशेंट को जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उस मोडालिटी से, उस करंट से. ठीक है, अब इसका जो टेस्ट का करने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का. ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड आ जाता है. सबसे पहले तो हम टेस्ट डोज अप्लाई करेंगे इंडिविजुअल पेशेंट जो है उसको, हर इंडिविजुअल पेशेंट पे. आपने बेटा अपना माइक म्यूट करना है, मैंने कर दिया. ठीक है, अच्छा तो हम टेस्ट डोज अप्लाई करते हैं हर इंडिविजुअल पेशेंट को. हमने पहले चेक करना होता है. टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग टेस्ट डोज इज सेम फॉर ऑल एक्सेप्ट टाइमिंग एंड डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन. कैलकुलेशन ऑफ द टेस्ट डोज बाय एयर कूल्ड लैम्प. सूटेबल एरिया देखते हैं पहले हम. स्किन को वॉश करते हैं, मोस्टली आप फोरआर्म यूज करते हो. फोरआर्म क्योंकि आप इजिली एक्सपोज कर सकते हो, इजिली वॉश कर सकते हो पेशेंट की. फिर आपने क्या करना होता है, कोई ऐसा मटेरियल लेना है जो यूवीआर, जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास नहीं कर सकती, जो रेजिस्टेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को. मोस्ट कॉमनली कोई भी कार्डबोर्ड ले लेते हैं, कोई पेपर ले सकते हो आप, कोई लिंट. लिंट इज द टाइप ऑफ अ क्लॉथ. ठीक है, कोई कपड़ा मोटा सा या कार्डबोर्ड बेसिकली यूज किया जाता है. उसके अंदर आप डिफरेंट शेप के होल्स कट कर लेते हैं, यानी आपने एक होल सर्कल कट कर लिया, एक रेक्टेंगुलर, एक ट्राइंगल. आपने होल्स कट कर लिए एक कार्डबोर्ड के अंदर, और फिर वो कार्डबोर्ड जो होगा वो होल्स का जो एरिया होगा वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करेंगी, स्किन तक जाएंगी, और जो बाकी का कार्डबोर्ड होगा वहां पे से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो पास
नहीं करती क्योंकि वो रेजिस्टेंट होता है. मिडिल होल इज 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, ये उसका उन्होंने एरिया बता दिए कि आपने इस साइज के होल्स कट कर लेने हैं. अच्छा जी, एवरेज डोज जो है उसको हम थर्ड पॉइंट दोबारा बता दें. कौन सा पॉइंट बेटा? एक आपने होल्स वाला पॉइंट है बेटा, आपने एक ऐसा मटेरियल लेना है, टेस्ट, आपने टेस्ट डोज कैलकुलेट करनी है कि पेशेंट को आप कितने टाइम के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी डेंजर. तो उसके लिए आपने टेस्ट डोज कैलकुलेट करनी है. टेस्ट डोज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने एक ऐसा मटीरियल ले लेना है जो रेजिस्टेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, फॉर एग्जाम्पल अ कार्डबोर्ड गत्ता ले लेना है, ठीक है. उसके अंदर आपने 3 डिफरेंट शेप्स के होल कट कर लेने हैं और उन उस गत्ते को फिर आपने स्किन के ऊपर प्लेस कर देना है. हम आगे इसी पूरी डिटेल देखेंगे, ठीक है. E1 हम कहते हैं एवरेज डोज को, डिनोट करते हैं E1 से. अब मर्क्यूरी वेपर लैम्प जो है, एवरेज इज 2 मिनट्स एट 1 मीटर फॉर फर्स्ट डिग्री एडिमा, ठीक है. एडिमा या एरिदमा जो है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का फर्स्ट साइन जो होता है वो एरिदमा होता है. 2 मिनट्स एट 1 मीटर, ठीक है. आप 2 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हो, 1 मीटर के डिस्टेंस से अप्लाई करते हो मर्क्यूरी वेपर लैम्प को. क्रायोमेरा लैम्प को आप 2 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करते हो इन कॉन्टैक्ट और 10 सेकेंड्स एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द विंडो ऑफ लैम्प. क्योंकि क्रोमेयर लैम्प जो होती है आपकी, आप उसको स्किन के साथ कॉन्टैक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल छोटे से टाइम 2 सेकेंड्स के लिए आपने इन कॉन्टैक्ट अप्लाई करना है फॉर टेस्टिंग डोज. फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो हैं 3 मिनट्स फॉर फर्स्ट डिग्री एरिदमा, ठीक है. ये ऊपर भी ये एरिदमा लिखा हुआ है, एडिमा नहीं है. एडिमा इसका साइन नहीं होता, इसका साइन एरिदमा होता है. ठीक है, फर्स्ट डिग्री एरिदमा प्रोड्यूस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अपना वर्क कर रही हैं स्किन पे. कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट डोज अब किस तरह है. नंबर ऑफ पीपल आर टेस्टेड टू फाइंड आउट द इवन टाइम एंड डिस्टेंस बाय सीइंग अ एरिदमा रिएक्शन. बाय नोइंग द एवरेज इवन फॉर अ पर्टिकुलर लैम्प, ड्यूरेशन ऑफ E2, E3, E4 कैन बी कैलकुलेटेड. डिफरेंट पेशेंट्स पे आप अप्लाई करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाता है कि जी इस लैम्प का, यानी कि मर्करी वेपर लैम्प है या क्रोमेयर लैम्प है या फिर वो थ्रेक्टन टनल है, ठीक है, जो भी आप लैंप यूज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उसका E1 टाइम, उसका एवरेज डोज टाइम कितना है, ठीक है. E1 टाइम जब अब निकल आता है, E1 टाइम के साथ आप E2, E3 और E4 टाइम उससे E1 टाइम से कैलकुलेट कर लेते हो. फॉर एग्जांपल E1 अगर 1 सेकेंड है तो E2 क्या होगा, E1 × 2.5 मल्टीप्लाई कर देना है. E3 E1 × 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. E4 इज E1 × 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है. टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, कट आउट टेस्ट पेपर इज अप्लाई टू पेशेंट्स फोरआर्म एंड बॉडी इज स्क्रीन. जो आपका बाकी की बॉडी होती है उसको आप कवर कर देते हो, ठीक है, ताकि बाकी बॉडी पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ना जाए, सिर्फ जो टेस्ट एरिया है वहीं पे आपका जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट हो. मिडिल होल रिसीव्स द कैलकुलेटेड E2 डोज. Small hole receives an exposure slightly longer than the E2 and larger hole receives exposure slightly shorter than the E2. 3 holes आपने कट करने हैं. पहला होल थोड़ा सा स्मॉल है, मिडिल होल 2 by 2 सेंटीमीटर का है और फिर थर्ड होल जो होता है, 3 होल्स है ना, थर्ड होल थोड़ा सा लार्जर होल होता है, ठीक है. मिडिल होल जो होता है वो एग्जैक्टली E2 की डोज रिसीव करता है. जो स्मॉल होल होता है वो E2 से थोड़ी सी ज्यादा डोज रिसीव करता है, ठीक है, स्लाइटली लॉन्गर. और जो लार्ज होल होता है वो थोड़ी सी शॉर्टर डोज रिसीव करता है E2 से. वजह ये कि जो स्मॉल होल है, छोटा होल है, उसमें आप थोड़ी सी लार्ज डोज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उससे ये देखने के लिए कि उसका थोड़ा सा अगर हम और ज्यादा डोज दे देते हैं तो क्या पेशेंट टॉलरेट कर सकता है. और जो लार्जर होल है उसमें आप थोड़ी कम डोज देते हो कि लार्ज एरिया है पेशेंट का तो कहीं कोई ज्यादा बर्न वगैरह ना कॉज हो जाए, ठीक है. और सेंटर वाला मिडिल होल जो है उस पर आप E2 डोज अप्लाई करते हो. ऑल डोजेज आर रिकॉर्डेड. पूरा एक रिकॉर्ड होता है जब आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई करनी है. एक चार्ट होता है आपके पास, एक उसके ऊपर आप उसकी पूरी टाइमिंग E1 की, E2, E3, E4 ये सारी टाइमिंग्स नोट करते हैं और बड़े क्वेश्चन के साथ आप पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं.
instructions should be given to the patient to record when erythema appears, how severe it is and how long it lasts. अब erythema क्या है? Reddening of the skin जो है वो कब appear हो रही है, कितनी severe है, कितनी देर तक वो जो है पेशेंट के ऊपर लास्ट करती है, कितनी देर रहती है. नॉर्मल केसेस में 6 घंटे 8 घंटे तक एरिथमा लास्ट करता है. पेशेंट रिएक्शन विल डिटरमिन फर्दर डोजेस. अब ये देख लें, हमने फॉर एग्जांपल थोड़ी देर ये हमने 3 कट कर लिए होल्स, ये 3 शेप्स कट कर लिए, सर्कल ट्राइंगल कोई किसी तरह की भी आप शेप अप्लाई कट कर सकते हो. Calculation of test dose by threctin tunnel. Same procedure is used. Larger holes of about 4 cm into 4 cm are used and are placed on the abdomen. आप forearm की जगह abdomen पे place कर सकते हो और साथ साथ इसमें holes भी थोड़े से आपने 2x2 cm की जगह 4x4 cm के holes cut करने हैं. As used in contact with skin, cryomere lamp की calculation कैसे है कि skin के साथ contact में होता है तो calculated with small holes. तो आपने बिल्कुल small holes cut करने हैं कि कोई skin को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा severe किस्म का reaction हो सकता है, इसीलिए आपने small holes cut करने हैं. 0.25x0.25 cm के. Exposure time needs to be short. Only indication is erythema on the skin. ये पूरा इस तरह का एक चार्ट होता है जब आप अप्लाई करते हो टेस्ट डोज कैलकुलेट करने के लिए और पेशेंट को थेरेपी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की थेरेपी देने के लिए, कि उसका E1 टाइम क्या था, E2 क्या था, E3 क्या है, E4 क्या है और उसको कितनी डोजेज दे सकते हैं, कितने टाइम के लिए दे सकते हैं. पेशेंट टू पेशेंट ये चीज वेरी करती है. अच्छा जी, जनरल इरेडिएशन की टेक्निक्स. पेशेंट बॉडी पार्ट इज वॉश्ड टू रिमूव एनी डस्ट और ग्रीस बाय सोप एंड सोक्ड विद टॉवल टू रिमूव मॉइस्चर. Patient is explained about what is going on and how it will occur. Patient is positioned in comfortable posture and avoid any undue exposure of other parts. Thin film of petroleum jelly or Vaseline or any other type of jelly or lotion is used for soft structures like lips, earlobes, eyelids, nipple, navel, etc. Thick blanket is used to cover the rest of the body. Baki body ko aapne cover kar diya. Eyes must be covered with cotton wool or goggles. Eyes को भी cover करना जरूरी है, otherwise eyes जो हैं वो severely damage हो सकती हैं. ठीक है, इस तरह के आपने जब holes cut किए हैं और erythema का आप देखते हैं तो ये erythema के इस तरह के red red patches बन जाते हैं. ठीक है, इस तरह 3 holes cut किए हुए थे तो इस तरह 3 जगह पे वो erythema के patches बनते हैं. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अब देख लेते हैं क्या होते हैं जी. इमीडिएट या एक्यूट इफेक्ट्स क्या होते हैं? एरिथमा, पिगमेंटेशन, इंक्रीज स्किन ग्रोथ, विटामिन डी प्रोडक्शन, ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑन द आई. अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेंगे हम आगे. द स्किन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन स्किन एंड इट इज देयर दैट रिएक्शन अकर एंड कॉजेज बेनिफिशियल इफेक्ट्स. लेयर्स ऑफ स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. तो हमारे पास बेसिकली सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, उसके नीचे हमारे पास डर्मिस होती है. एपिडर्मिस की फर्दर 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसको सुपरफिशियल और डीप लेयर्स में आपने डिवाइड किया होता है. डीप एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वहां पर रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स होती है टेक प्लेस टू रिप्लेस दोज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस. डीप एपिडर्मिस में न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं और जो आपकी सुपरफिशियल एपिडर्मिस है, ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस की, वहां से जो सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो रिप्लेस हो रहे होते हैं, नीचे से प्रोड्यूस होके सेल्स ऊपर आ रहे होते हैं. पिगमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डीप एपिडर्मिस. एरिथमा, एरिथमा क्या होता है? इसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फर्स्ट अपेयर होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, दैट इज एरिथमा. इट इज द रेडनिंग ऑफ द स्किन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टिमुलेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट रेज. रिलीज ऑफ हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, वहां पे आपके स्किन के अंदर और टिश्यूज के अंदर हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं. कैपिलरी रिलीज और आर्टरीज जो हैं, आपकी आर्टरियोल्स हैं, उनकी डायलिटेशन होती है. फ्लूइड एक्सुडेट जो है वो वापस स्किन के अंदर जाता है. सेकेंड इफेक्ट वॉज पिगमेंटेशन और टैनिंग ऑफ द स्किन फॉलोज द एरिथमा. इट्स अमाउंट वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ एरिथमा. इट इज ड्यू टू द इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ पिगमेंट मेलानिन फॉर्म्ड इन द बेसल सेल लेयर ऑफ द स्किन बाय मेलानोब्लास्ट. मेलानोब्लास्ट कौन से सेल होते हैं? मेलानोब्लास्ट मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं और मेलानिन क्या होता है? जो आपका डार्कनिंग पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर डार्क होता है, वो पिगमेंट है, वो कलर है, उसको कहते हैं मेलानिन. और मेलानोब्लास्ट वो सेल हैं जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो मेलानिन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस
मेलानिन प्रोड्यूस ज्यादा होगा, मेलानोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो फिर पिगमेंटेशन भी ज्यादा हो जाएगी. थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस, सडन ओवर एक्टिविटी ऑफ बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस की लेयर्स पे ही सारे इफेक्ट बता रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, तो वो थिकनिंग कॉज हो जाती है आपकी एपिडर्मिस की. ठीक है, 3 times थिक हो सकती है स्किन एज कंपेयर टू द नॉर्मल थिकनेस. डीस्क्वेमेशन, इट इज द कास्टिंग ऑफ ऑफ द सेल्स विच हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. जो पीलिंग या डीस्क्वेमेशन होती है एरिथमा के बाद, अगर एरिथमा हो गया है, बहुत ज्यादा एरिथमा हो गया, तो स्किन ऊपर से उतरना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, न्यू स्किन नीचे से फ्रेश स्किन आती है. ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीस्क्वेमेशन, कि जो आपकी डेड अपर लेयर ऑफ स्किन होती है वो कास्ट ऑफ हो जाते हैं, वो सेल्स जो डिस्ट्रॉय कर देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और न्यू सेल्स की प्रोडक्शन नीचे से स्टार्ट हो रही होती है और वो एपिडर्मिस पे आ जाते हैं. After desquamation, resistance of skin to the ultraviolet rays is reduced. Desquamation के बाद skin की जो एक resistance होती है ultraviolet radiations के against वो reduce हो जाती है, क्योंकि new skin है वो इतनी ज़्यादा resistance provide नहीं कर सकती, वो जो old skin थी वो काफ़ी ज़्यादा resistance provide कर रही थी. Then there is effect of vitamin D production. We all know कि ultraviolet radiations जो होती हैं sunlight में, भी इसीलिए कहते हैं कि sunlight में जाएं. ठीक है, बच्चों को सनलाइट देना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और स्पेसिफिकली UVB होती हैं, ठीक है, वो आपके जो आपके स्किन के अंदर स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली 7-dehydrocholesterol जो होता है वो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVB. विटामिन डी जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू असिस्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम. हमें पता है विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में बहुत अहम रोल प्ले करता है. ठीक है, सब थर्मल डोजेस ऑफ यूवीबी आर एडिक्वेट टू प्रमोट द विटामिन डी सिंथेसिस. विटामिन डी सिंथेसिस भी करवाती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट होता है. ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट कहते हैं कि आपकी बॉडी की जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है उसको इंक्रीज कर देना, उस इफेक्ट को कहते हैं ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट. ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू एनी इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी टॉक्सिन के या वायरल इन्फेक्शन है, उनके अगेंस्ट जो आपकी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है, ठीक है, जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनानी है, सारे इफेक्ट को आप इसोफाइलेक्टिक इफेक्ट कहते हो. E4 डोजेज इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय सच ऑर्गेनिज्म. जो बैक्टीरिया और टॉक्सिन होते हैं बॉडी में वो कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, जो E4 डोज है, E1, E2, E3, E4 के लेवल पे आप चले जाते हो डोज पे, जब E4 डोज अप्लाई करते हो तो इस तरह के जो बैक्टीरिया या टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब इफेक्ट्स ऑन आई, स्ट्रॉन्ग डोजेस ऑफ UVB एंड UVC रेडिएशन टू द आईज कैन लीड टू कंजक्टिवाइटिस एंड फोटो. क्या बेटा? बेटा ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट हम कहते हैं जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है या बॉडी का एक जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट एनी फॉरेन टॉक्सिन्स, ठीक है, उस इफेक्ट को कहते हैं ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट. बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, जो आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहा है. एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन बॉडी है, ठीक है, कोई भी टॉक्सिन है, कोई भी टॉक्सिक ड्रग है, उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस है, मैकेनिज्म है अपना, उसको इनहेंस करते हैं बाय द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ठीक है, इस इफेक्ट को कहते हैं ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट. ठीक है, कि बाय द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज enhanced, it is increased. अच्छा, अब आई पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं. आई के लिए जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं उसकी अगर स्ट्रॉन्ग डोजेस हैं तो वो डेंजरस होती हैं, कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकती हैं, कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन या फोटोकेराटाइटिस कॉज कर सकती हैं, जिसमें आई की इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें आई में ऐसे लगता है कि कोई आंख के अंदर कोई चीज चुभ रही है, वाटरिंग ऑफ द आई स्टार्ट हो जाती है, पानी बहना, एंड एवर्जन टू लाइट, फोटोफोबिया, यानी कि आप लाइट की तरफ फिर देख नहीं सकते, आपकी आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है लाइट की तरफ देखने से. ठीक है, इन सवेयर केसेस इंटेंस पेन एंड स्पैज्म ऑफ द आईलिड में बी प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस.
कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की ट्रीटमेंट की है और आपने गॉगल्स या फिर कॉटन पैड से या वूल पैड से आपने आई को कवर नहीं किया, तो पेशेंट जो है उसकी आईलिड्स का स्वेयर किस्म का स्पैज्म और पेन हो सकता है उसे, और वो अपनी आंखें नहीं खोलता, फिर उसे कुछ नजर भी नहीं आता कुछ देर के लिए, और अपनी आईज को बड़ा टाइटली स्पास्टिक आईलिड्स हो जाती हैं, बंद रहती हैं, उसको आप स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं. While UVB and UVC are absorbed in the cornea, UVA can pass through to be absorbed mainly in the lens of the eye. UVB, UVC cornea तक absorb होती है और UVA further आगे चला जाता है आपके eye के lens तक, ठीक है. और strong doses of UVA may lead to the formation of cataracts. और UVA जो होता है फिर further ultraviolet A वाली जो radiations हैं वो cataracts भी कॉज करा सकती है. कैटरैक्ट को आप उर्दू में मोतिया कहते हो कि आंख के अंदर वो जो एक कैटरैक्ट झिली टाइप बन जाती है और फिर वो जो है धुंधला नजर आता है, पेशेंट को नजर ठीक नहीं आता, दैट इज कैटरैक्ट. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे हमने अभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इतने सारे डिस्कस कर लिए, सारे के इफेक्ट ऑन आई क्या है, इसोफाइलेक्टिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और सारे जो ये स्किन पे क्या रिएक्शन, इरिदमा है, पिगमेंटेशन है, मेलेनोसाइट फॉर्मेशन है, थिकनिंग ऑफ स्किन है, ये सारे आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे. एक्यूट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे जो फॉरन इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं. अब लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इफेक्ट्स कौन से हैं, सोलर इलास्टोसिस और एजिंग एंड कैंसर. ये लॉन्ग टर्म यूज पे आता है कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है तो क्रॉनिक इफेक्ट्स कौन से होंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, उसको कहते हैं सोलर इलास्टोसिस और एजिंग. Prolonged exposure to the ultraviolet radiation leads to premature aging of the skin. This is especially so in the fair skin. Fair skin में क्यों ये ज़्यादा होता है, क्योंकि जो fair skin के लोग होते हैं उनमें melanin कम होता है. जब melanin कम होता है तो melanocytes जो melanoblast होते हैं वो भी कम होते हैं, वो melanin इतना produce नहीं करते. इसी वजह से तो कहते हैं कि जो थोड़े white skin tone people होते हैं या जो अंग्रेज होते हैं बेसिकली जिनमें melanin या melanocytes की deficiency होती है, उनको skin cancer बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर वो धूप में निकलते हैं, बहुत ज़्यादा skin cancers होते हैं. क्यों? Because उनके अंदर जो melanoblasts होते हैं उनकी एक ये property भी होती है कि वो cancer cells को या ultraviolet radiations को absorb करते हैं और फिर उनको डैमेज नहीं करने देते फर्दर स्किन को, ठीक है. जब मेलानोब्लास्ट ही नहीं है, मेलानिन प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या सनलाइट जो है वो उनकी स्किन को इतना डैमेज करेगी कि वहां पर आपके जो है एक तो प्रीमेच्योर एजिंग और साथ साथ वहां पर कार्सिनोमा ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है. दिस इज क्रॉनिक इफेक्ट. अच्छा, डिक्रीज फंक्शन ऑफ सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स. सीबम ग्लैंड्स होते हैं आपकी स्किन में और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनकी फंक्शन डिक्रीज हो जाता है. लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है ये लॉस हो जाती है, इसको कहते हैं सोलर इलास्टोसिस. द स्किन बिकम्स रिंकल्ड ड्राई एंड लेदरी. स्किन ड्राई हो जाती है, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और लेदरी एक जैसे लेदर की एक अपेयरेंस और लेदर की टेक्स्चर होता है उस तरह की स्किन हो जाती है. कैंसर कॉज हो सकते हैं, बेजल सेल एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज हो सकते हैं. कार्सिनोजेनेसिस इज अ डेंजर एज दीज रेज में हैव एन इफेक्ट ऑन डीएनए एंड थस ऑन द सेल रेप्लिकेशन. कि कहाँ तक इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट आपके डीएनए के लेवल तक हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसकी प्रोलॉन्ग थेरेपी ले रहे हैं. इसीलिए जो है ना 4 वीक से ज्यादा अलाउड नहीं होता अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ट्रीटमेंट, ठीक है. जो शॉर्टर मैग्नीट्यूड की अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट शुड नॉट एक्सीड द 4 वीक्स. इसीलिए ज्यादा ट्रीटमेंट आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते कि ये इलास्टोसिस, एजिंग और कैंसर कॉज कर सकती हैं. दीज वर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. आज हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रिंसिपल्स देखे हैं, उसकी प्रोडक्शन देखी है, उसकी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन देखी है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी देखे हैं, ठीक है. ये था आपका आज का लेक्चर अबाउट द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. जी, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो बताएं. क्लियर है बच्चों? यस मैम. अच्छा, आप लोगों के आई गेस और
हाँ, तो ये आपका 8th लेक्चर है आप लोगों के, और 13 लेक्चर्स हैं टोटल, तो आपके 5-6 लेक्चर्स और रह गए हैं। ओके मैम, ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।